اللهم صل على محمد وآل محمد। हजरात सलामुन अलैकुम। आज मैं आपकी खिदमत में माहे मुबारक रमज़ान की 70वीं शब में जो नमाज का तरीक़ा है उसे अर्ज़ करूँगा, मगर उसे अर्ज़ करने से पहले मैं आपको ये भी याद दिला दूँ कि 70वीं माह मुबारक रमज़ान वो दिन है कि जिस दिन फतेह बद्र हुई थी और अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम के ज़रिए इस्लाम को एक बड़ी कामयाबी और फतेह याबी नसीब हुई थी। और ये वो अजीम रात है कि कहने वाला कहता है कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम को 3300 फजीलतें इस रात में मिली हैं। इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो इसके ऊपर भी गुफ्तगू की जाएगी। दोस्तों और अजीज़ों, माह मुबारक रमज़ान की 70वीं शब यानी 16 माह मुबारक रमज़ान का दिन गुजर के जो रात आती है उसमें 2 रकत नमाज पढ़ने का बहुत ज़्यादा अज्र व सवाब है। जो शख्स इस 2 रकत नमाज को अदा करेगा जब वो अपनी कब्र से उठाया जाएगा तो वो सेराब उठेगा, यानी वो जैसा कि आपको रोज़ क़यामत और मैदान महशर में के लिए मिलता है कि लोग प्यासे होंगे, ज़बानें उनकी लटक रही होंगी, लेकिन जो शख्स इस माह मुबारक रमज़ान की शबे 70वीं शब की नमाज को अदा करेगा वो अपनी कब्र से जब उठेगा तो वो सेराब होगा और ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा पढ़ता हुआ इंशाल्लाह दाखिले बेहश्त होगा। दोस्तों अज़ीज़ों, ये 2 रकत नमाज जो है इसका तरीक़ा ये है कि पहली रकत में सूरह अलहम्द के बाद कोई भी इख्तियारी छोटा सूरह जो भी आप पढ़ना चाहें उसे आप पढ़ सकते हैं, और दूसरी रकत में सूरह अलहम्द के बाद 100 मरतबा सूरह तौहीद कुल हुवल्लाह वहद का सूरह पढ़ना है। और जब आप नमाज को तमाम कर लेंगे तो आपको 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह कहना है 100 मरतबा, तो आपका ये अमल पूरा हो जाएगा और इस रात के जो फ़वाद हैं वो आपको हासिल होंगे। और इस रात आप मौला अली को भी मुबारकबाद दीजिएगा और रसूल खुदा को भी मुबारकबाद दीजिएगा और सच्चे और अच्छे जो मुहिब्बाने रसूल हैं कि जिनके दिलों में आले रसूल की मोहब्बत है उन्हें भी मुबारकबाद दीजिएगा कि शबे फतेह बद्र है और इस पर तो पूरे आलम इस्लाम को खुश होना चाहिए है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हम इसलिए ज़्यादा खुश होते हैं कि मेरे मौला ने इस जंग को भी फतह किया और इंशाल्लाह हम उनकी मोहब्बत लेकर जी भी रहे हैं और मरेंगे भी, और उनकी मोहब्बत दुनिया और आखिरत में हमारे काम आएगी।